मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के कठौरा ग्राम में हल्का लेखपाल दीनानाथ और प्रधान मोहम्मद नासिर ने ड्रोन से रिकॉर्डिंग की ताकि गांव वालों को घरौनी तैयार करके आसानी से दी जा सके। अयोध्या में ईंट निर्माता समिति की बैठक की गई जिसमें समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने ईंट भट्टों पर बढ़ रही जीएसटी पर नाराजगी जाहिर की। अयोध्या के खाक चौक के पास आश्रम सीताराम विहार कुंज में श्रद्धालुओं ने साधु संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या में महिला कल्याण विभाग और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने मिलकर जागरूक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव पर बड़ी कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक छविनाथ यादव की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान यातायात प्रभारी ने 150 वाहनों का चालान काट दिया, साथ ही हजारों रुपए की वसूली की गई। बरेली में थाना फतेहगंज पश्चिमी इलाके में स्मैक तस्कर सोनू कालिया के घर पर बुलडोजर चलाया गया। मकान गिराने से पहले पुलिस ने पत्नी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। लखीमपुर खीरी में कचहरी रोड पर दुकानों के आगे नालों पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया गया। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका। उदयपुर में हुई घटना से सभी नाराज हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। रामपुर में नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी के मद्देनजर जिला कांग्रेस कार्यालय हिमायत उल्लाह मार्केट पर कांग्रेस नेताओं ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर मंथन किया। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। मसल बॉम प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस।